सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में जैसा आपने मुझे बोला था कि ज्वेलरी और मेकअप का कलेक्शन दिखाओ, तो मैं वही लेके आई हूँ आज आप सबके लिए। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं दिखाने वाली हूँ मेरी ज्वेलरी कलेक्शन, फिर मैं दिखाने वाली हूँ मेकअप वाला। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्वेलरी से कि मेरे पास ज्वेलरी क्या क्या है। देखो, आधे सामान इधर बिखेर के रखे हैं मैंने और आधे सामान इसके अंदर है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा इसको ध्यान मत देना। अच्छा, तो गाइस सबसे पहले दिखाती हूँ मेरी नॉर्मल इयररिंग्स, जो मतलब मैंने अभी जस्ट रिसेंटली में ली है। तो ये भी ली थी मैंने मीशो से। ठीक है, ये इयरिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और मैंने इस पर रील्स भी देखी थी दो तीन लोगों की, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें बस ये है ना कि ये जो मतलब बहुत हल्का है और ये भारी है, तो ये निकल जाता है, तो इसलिए। लेकिन ये मैंने बहुत काम में ली है, बहुत ज़्यादा इसको मैंने साड़ियों पर या लहंगे पर पहना है। ठीक है, तो उसके बाद में सेकेंड है मेरी ये, तो वो वाली और ये वाली दोनों मैंने साथ में ली थी। और साथ में प्राइस बताऊँ कितने में ली थी, 250 में दोनों ली थी मैंने। ठीक है, यानी बहुत सस्ते में मिल गई थी मुझे, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और इसको पहनने का तरीका बताऊँ, मैंने शादी में पूरी कैसे निकाली है, ये देखो। तो इसको मोड़ के कान के पीछे मैंने इसको पूरी शादी निकाल दी कुलदीप भैया की। ठीक है, नेक्स्ट है ये झुमके। ये झुमके जस्ट मैं अभी ही लेके आई हूँ मेले में, हमारे यहाँ पे मेला लगता है, उसमें सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती है, तो उसके अंदर मैं उठा के लेके आई हूँ। मेरे पास कुछ भी महंगा नहीं है, सब सस्ते सस्ते दिखते महंगे हैं। ठीक है, तो ये भी मैं लाई थी 60 रुपये में मेरी फ्रेंड के साथ जाके। तो ये मुझे झुमके बहुत अच्छे लगे थे, मतलब ये मतलब कानों पर अच्छे भी लगते हैं मेरे। और उसके बाद में है हमारी ये ब्लैक कलर की, जो कि टूट गई है गाइस, ये देखो टूट गई है ये। ये ऐसा था और ये ऐसा हो गया है, अब तीन टुकड़ों में डिवाइड हो गया है और गलती से टूट गया। मेरा वो नहीं था कि तोड़ना है, पर ये टूट गया। उसके बाद है नेक्स्ट ये मेरी नहीं है, मेरी फ्रेंड की है, ऐश्वर्या की, मुझे उसको देनी है, मैं रोज़ भूल जाती हूँ देना। ठीक है, तो ये मतलब उसने मुझे पहनाई थी कब, मेरे 500 की हुए थे ना, उसमें मैंने जो ड्रेस पहनी थी ग्रीन वाली, उस पर उसने मुझे खुद ने पहनाई थी ये वाली। उसके बाद में है ये झुमके मैंने पहना था, वो सॉन्ग है ना बदरंग में सतरंगा है इश्क, उसमें सर के साथ जो डांस वीडियो हुआ था उसमें मैंने ये झुमके पहने थे। ये झुमके मेरी मम्मी के ही है, मेरे नहीं है ये। तो ये भी बहुत भारी है, कान के अकॉर्डिंग भारी है। अभी जाता मेरा 600 रुपये का सीरम। उसके बाद में है ये राजस्थानी, जो मैंने राजस्थानी शूट एक बार पहना था, राजस्थानी सूट एक बार मैंने पहना था, उसके अंदर ये मेरी मम्मी का ही है, तो मम्मी ने एक बार के शौक के लिए ले लिया था, तो वो मेरे काम आता है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मुझे इतना राजस्थानी पहनना पसंद नहीं है। ठीक है, उसके बाद में है ये देखो, ये है वैष्णवी की टिकी, ये देखो ये फंसी हुई है इसके अंदर। ये है वैष्णवी की टिकी, मतलब ये मम्मी की है, मैंने पहना, फिर मेरे बाद में मेरी बहनों ने पहना, और उसके बाद में वैष्णवी पहन रही है इसको। ठीक है, उसके बाद में है ये मेरी दो पायल, जिसको मैं रेगुलरली हर वीडियो में पहनती हूँ, और जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है मैं उसको पहनती हूँ। मतलब ये बहुत ही बेसिक और सिंपल लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भारी में है पर वो चांदी की है, तो मम्मी ने गाँव छोड़ दी, मतलब मुझे पहनने नहीं देती है ना इसलिए, क्योंकि मेरे पास लखन नहीं है मेरे रखने के, इसीलिए। उसके बाद में यहाँ पे मेरी और कोई ज्वेलरी है, हाँ उसके बाद में है ये देखो, ये वाली इयररिंग भी बेसिक है, जो अब वैष्णवी पहनती है, मैं नहीं पहनती, मैं पहले पहनती थी। उसके बाद में ये देखो, ये चूड़ियाँ इधर पड़ी है, आधी चूड़ियाँ इधर पड़ी है, ठीक है, और आधी चूड़ियाँ इसके अंदर पड़ी है, मतलब चूड़ियाँ सारी है हर ड्रेस के अकॉर्डिंग, ब्लू ड्रेस हो तो ब्लू है, और ये अभी नया जो लहंगा लेके आई उसके लिए है, मतलब सारी ज्वेलरी है मेरे पास में। उसके बाद में आधी ज्वेलरी मेरी इधर है, ठीक है, ये देखो, ये अभी ली है मैंने, मेरे पापा ने दिलाई है मुझे जस्ट अभी, थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था इसलिए मैंने इसको ली थी। उसके बाद में है हमारे पास ये ब्लैक कलर के झुमके, ये बहुत ही भारी है, बहुत भारी है, इससे ऐसा लगता है मेरा कान यहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैंने उसी मेले से लिए, ये और वो वाली इयरिंग दोनों साथ में ली थी मैंने। उसके बाद में तो सर की डीवी वॉच है, और उसके बाद में मेरे पास गाइस ज्वेलरी में कुछ भी नहीं है, इतना ही था मेरे पास। आप देखते हो ना, मैं ज्वेलरी इतनी पहनती हूँ, मांग के पहनती हूँ, कुछ नहीं, मेकअप पूरा है, मेकअप दिखाती हूँ, तो ज्वेलरी मेरी इतनी ही है। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है मेरे पास, नॉर्मली है। तो अब मैं मेकअप में, और एक ये है जो मैं रेगुलरली ज्वेलरी में पहनती हूँ, और ये चैन है जो मैं रेगुलरली ज्वेलरी में पहनती हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं मेकअप बताती हूँ कि मेकअप में मेरे पास क्या क्या है। तो गाइस ज्वेलरी में थी, मैंने ये अभी बॉक्स देखा, मेरे ध्यान में नहीं पड़ा, ये मैंने नोज पिन मंगाई थी इतनी सारी, ये देखो
इतनी सारी, मतलब इसकी दो और इधर उधर पड़ी भी होगी। बाकी ये मैंने मंगाई थी, ये मैंने ऑलरेडी व्लॉग में दिखा रखा है आपको, तो ये नोज पिन में मैंने अभी मंगाई है उस ज्वेलरी के साथ में, और उसके अंदर की इयर रिंग भी है इसके अंदर। ये देखो, ये मैं खोल के बताती हूँ, ये मैं पहनती नहीं हूँ, ये किसी ना किसी शूट में वैष्णवी पहन लेगी। ये देखो, ये इयर रिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बट मेरे को बहुत मतलब अच्छी नहीं लगी मेरे पे, तो इसलिए वैष्णवी पहनेगी। अब बारी है मेकअप की, तो अब बारी है मेकअप की। तो सबसे पहले बताती हूँ मैं मेकअप में क्या क्या यूज़ करती हूँ, और मैं यूज़ करके मैं ऑलरेडी दिखा चुकी एक व्लॉग में, तो उसकी मैं लिंक डाल दूंगी, नहीं तो अगर आप बोलोगे तो मैं वापस वो व्लॉग बना दूंगी कि कैसे गाइस मुझे थोड़ी खांसी है, तो आप लोग अगर बोलोगे ना तो मैं वापस वो व्लॉग बना दूंगी जिसमें मैंने क्या क्या यूज़ करती हूँ फेस पे, और मतलब फेस इतना अच्छा तो नहीं है बट फिर भी मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ वो सब बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन से। ठीक है, मेरे पास ये नॉर्मली फाउंडेशन है, बट ये गलती मैंने ये कर दी थी कि मैंने मेरी स्किन के अकॉर्डिंग ये फाउंडेशन नहीं लिया था। ये है थोड़ा सा ज़्यादा ही वो वाइट वालों के लिए है, यहाँ से दिख रहा है, बट यहाँ पे देखो ये बहुत ज़्यादा वाइट है, बहुत ज़्यादा वाइट है, तो स्किन से मेरे मैच नहीं होता है, इस वजह से मैं इसको है ना सीसी क्रीम के साथ मिक्स करके लगाती हूँ, ताकि ये दोनों मेरी स्किन से मतलब अटैच मतलब मैच हो जाए, और मेरा मतलब ज़्यादा ऐसा ना लगे कि फाउंडेशन थुपड़ा हुआ है, वैसा नहीं लगे। ठीक है, तो ये फाउंडेशन और ये सीसी क्रीम मैंने आपको बता दिया, ये दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ, वो भी कभी 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 कभी, जैसे किसी फंक्शन वगैरह में जाती हूँ ना तो मैं लगाती हूँ, वैसे शूट वगैरह में तो मैं नॉर्मली सीसी क्रीम ही लगाती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। और ये है बॉडी लोशन, जिससे ये हाथ सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं मेरे। ठीक है, तो ये मैं बॉडी लोशन लगाती हूँ, और ये मैं हल्का सा फेस पे भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गया है इसीलिए। उसके बाद में बारी आती है मेन चीज़, मेरी बिंदी। देखो, बिंदी है ना मैं रेगुलरली स्टार्टिंग से ही लगा रही हूँ, इसलिए मैं इसको हमेशा रखती हूँ, हमेशा पास में रखती हूँ। बिंदी ऐसा ना होना चाहिए कि बिंदी हट जाए, ऐसा नहीं, मैं स्टार्टिंग से लगा रही हूँ तो मुझे आदत है लगाने की, इसलिए बिना बिंदी के फेस बहुत ही अजीब लगता है मेरे को, इसलिए मैं बिंदी हमेशा लगाती हूँ, चाहे मैं वेस्टर्न पहनूँ, चाहे मैं ट्रेडिशनल पहनूँ, चाहे मैं जींस टॉप पहनूँ, सब कुछ सब में मैं बिंदी लगाती हूँ। उसके बाद बारी आती है फेस पाउडर की। ठीक है, ये देखो नॉर्मल, पता नहीं कौन सी नैले, पता नहीं कौन सा है कंपनी, मुझे नहीं पता, इसका मैं फेस पाउडर यूज़ करती हूँ जिससे करण पबजी खेलता है। ठीक है, तो है ना मैं फेस पाउडर नॉर्मली यूज़ करती हूँ, फेस पाउडर में मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, बेसिकली मैं घर पे मेरा पोन्स पाउडर है मैं उसी को यूज़ करती हूँ, फेस पाउडर कभी कभी यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए वैसे तो फेस के लिए। ये भी मैंने मंगाया था, ये मैंने फ्री आया था, मेरे किसके साथ आया था फ्री, ये देखो मैं बताती हूँ, एक तो ये आई शेडो और एक ये आई शेडो, ये नॉर्मल आई शेडो है और ये न्यूड आई शेडो है। ठीक है, ये देखो ये नॉर्मल आई शेडो है, इसमें मैंने अभी तक ये दो एक दो तीन चार पाँच छः कलर ही यूज़ किए, बाकी सारे ऐसे ही पड़े हैं। ठीक है, और ये है न्यूड आई शेडो, न्यूड भी, न्यूड तो मैंने बिल्कुल यूज़ किया ही नहीं है, पर अब करूँगी, सोच रही हूँ। ठीक है, ये देखो ये न्यूड आई शेडो है, बिल्कुल ही इसको यूज़ नहीं किया है पर अब करूँगी। तो इन दोनों को मैंने मंगाया था, तो इसके साथ मुझे ये फ्री आया था, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत स्पंजी है, देखो दिखाती हूँ मैं आपको, ये तो मेरा ऑलरेडी पहले से है, बाकी ये देखो ये सारे बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट है, मतलब बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट है, बट इसको एक बार मुझे पानी से धोना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा मतलब स्किन के अकॉर्डिंग सॉफ्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको पानी से एक बार धोऊंगी, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें दी हुई है, तो ये फ्री आया था, ये अगर दुकान में हम लेने जाए ना तो ये हमें 150 रुपये में पड़ेगा, बट ये फ्री आ गए थे मेरे, तो ये मेरी ये प्लस पॉइंट है। तो मैंने ये भी मंगाया था मीशो से ही, वहाँ से ही फ्री मुझे मिला था, तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। बहुत लोग पूछते हैं ना मैं कपड़े कहाँ से लाती हूँ या मैं मेकअप कहाँ से लाती हूँ, तो मैं वहीं से लाती हूँ, लमसम कपड़े मैं मीशो से ही लेती हूँ, लेकिन बाकी जो ऐसा होता है ना जैसे मेरे बहुत स्पेशल हो, जैसे मेरा बर्थडे हो गया या न्यू ईयर हो गई, इन सब के लिए मैं जाके दुकान से लेती हूँ, बाकी मैं मीशो से ऑर्डर करती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट है लिपस्टिक की बारी, ये है लिपस्टिक 5 वाली लिपस्टिक है, इसको मैं सबको लगा चुकी हूँ ऑलरेडी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मतलब अभी सर मारते हैं ना तो उनके हाथों में लग जाती है या मेरे फैल जाती है, इस वजह से इसको मैं कम लगाती हूँ, अब इसको वैष्णवी ज़्यादा लगाती है। तो ये है मेरी फर्स्ट लिपस्टिक, फिर ये है मेरी सेकेंड लिपस्टिक, ये जो मैंने शेड लगा रखा है ये इसी लिपस्टिक का है, ये भी मैं मेले से ही लाई थी, ये देखो ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है, मतलब ज़्यादा लाल लाल होंठ नहीं दिखते हैं जैसे अभी मेरे दिख रहे हैं, नॉर्मली वैसे दिखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिपस्टिक है ये रेड कलर की, जैसे बहुत अच्छी साड़ी पहनती हूँ ना उस पर मैं ये रेड कलर की लिपस्टिक लगाती हूँ, या ब्लैक साड़ी पहनती हूँ उस पर मैं ये ब्लैक कलर रेड कलर की लिपस्टिक लगाती हूँ। फिर ये भी है
तो ये मैंने कल लगा रखा था, ये भी बहुत अच्छा है, बट ये बहुत ज़्यादा रेड कलर है, बहुत ज़्यादा रेड कलर है। ठीक है, तो ये मतलब शादीशुदाओं पे ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मैं रेड का कोई कपड़े पहनती हूँ ना, मैं उस पर लगा लेती हूँ। उसके बाद में हमारे आती है इसकी बारी। तो ये तो लिपस्टिक का पूरा वो क्या कहते हैं डब्बा डब्बा मान लो कलेक्शन है लिपस्टिक का पूरा। इसमें से मैं ये कलर नहीं लगाती हूँ, ये कलर नहीं लगाती हूँ, ये दो कलर मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही गंदे लगते हैं, बहुत गंदे। एक तो ये डार्क ब्राउन और डार्क पर्पल बहुत गंदे लगते हैं, उन्होंने लगता है ना काला काला कुछ पेंट होता है ना वो लगा लिया हो वैसा लगता है। बाकी के शेड इसमें बहुत ही अच्छे हैं। तो ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था, तो थैंक यू उसका भी, मैं उसको ऐसे तो बोलती रहती हूँ थैंक यू, बट ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था, तो उसने ये काम अच्छा किया कि मुझे लिपस्टिक शेड का पूरा किट दिया ताकि मैं हर ड्रेस के अकॉर्डिंग अलग अलग लगा सकूँ। ठीक है, उसके बाद में बारी आती है इसकी, ये है ब्लशर जो मैं यहाँ लगाती हूँ, यहाँ यहाँ लगा के मैं इसको अपने गालों को पिंक पिंक कर लेती हूँ या ब्राउन ब्राउन कर लेती हूँ। तो ये भी मुझे, ये तो मैंने दुकान से ही लिया था, ये मैंने दुकान से लिया था, ये मैंने कहीं से नहीं लिया है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है, उसके बाद मेरे पास क्या है, हाँ उसके बाद में मेरे पास मस्कारा है। ठीक है, ये मस्कारा मैंने लिया तो है बट इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बिल्कुल ही यूज़ नहीं करती हूँ, ये ऐसे ही पड़ा है, वाटरप्रूफ मस्कारा है बट यूज़ बिल्कुल नहीं करती, अभी थोड़ा सा कर लेती हूँ, ये हो गई मैं सुंदर। उसके बाद में मेरे पास ये ब्रश है, सारे ब्रशों को मैंने इधर उधर कर रखा है, ये देखो ब्रश भी मैंने मंगाया था, और मेरे पास ये रहा, ये देखो सारे ब्रश मैंने दुकान से लिए हैं, ना कि मंगाया है मैंने, मैंने सारे ब्रश दुकान से लिए, तो ये अच्छे लगते हैं मतलब करने में, इसको ऐसे 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 करते हो ना बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में है ये लाइनर, नॉर्मली ब्लू हेवन का ही लाइनर मैं यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मेरे को लाइनर सूट नहीं होते हैं, ये बेस्ट रहता है यार, बहुत टाइम तक चलता है, आराम से चलता है। ठीक है, और अकेली यूज़ करने वाली हूँ मैं। फिर मेरी ये नेल पेंट जो अभी तक मैंने लगाई नहीं है, पहले की लगाई हुई पड़ी है, तो शायद मैं आज लगा लूँ। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास है जो सर बोल रहे थे ना सीरम, ये जो क्या बोल रहे थे सर, 600 रुपये का सीरम है ना, हाँ ये देखो 650 का है सीरम। तो ये सीरम है ना, मेरे बाल वो बीच में आपको पता है मेरे बाल स्ट्रेट हो गए थे, आपको पता होगा मैंने उस पर ब्लॉग भी बना रखा था, तो उन्होंने ही मुझे बोला है कि ये सीरम आपको है ना जैसे बाल मशीन लगाते हो ना बालों में, तो आपको ये सीरम लगाना है ताकि वो बाल जले ना, सॉफ्ट हो जाए, इसलिए ये सीरम मैं कभी कभी लगाती हूँ। देखो पूरा ऐसे ही पड़ा है, यहाँ तक पड़ा है, मतलब आधा तो मैंने यूज़ किया है तो अभी यहाँ तक पड़ा है। उसके बाद है मेरा जूडियो का परफ्यूम जो मुझे 99 रुपये में मिला था, वीडियो में सेल लगी थी, मैं वहाँ से लेके आई थी। ठीक है, तो ये भी इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, अब मैं इसको स्प्रे करके नहीं बता सकती कि आपको पता ही नहीं चलेगा स्मेल कैसी है, बट इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। तो गाइस ये था मेरा ज्वेलरी और मेकअप कलेक्शन, तो आपको ये पूरा वीडियो ये पूरा व्लॉग कैसा लगा आप मुझे बता देना, और नेक्स्ट व्लॉग किस पे चाहिए ये भी मुझे बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।